केंद्र सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट नमामि गंगे परियोजना में विभागीय ठेकेदारों के द्वारा गंभीर अनियमितताएं बरती जा रही। सरकार की मंशा है कि इस परियोजना के तहत जल्दी से जल्दी लोगों तक स्वच्छ पीने का पानी घर घर तक पहुंचाया जाए, लेकिन विभागीय उदासीनता इस परियोजना में स्पष्ट रूप से नजर आती है। वही जिम्मेदार पूरी तरीके से कुंभकर्णीय निद्रा में लीन है। उत्तर प्रदेश के जनपद महोबा के विकासखंड जैतपुर के महुआ बाद गांव में नमामि गंगे परियोजना के तहत विभागीय ठेकेदार द्वारा जगह जगह सीसी रोड कई महीने पहले से तोड़कर गांव में दुर्घटनाओं को न्योता दिया गया। ग्रामीणों का आरोप है गांव की सभी सड़कें बड़ी मुश्किल से बनी थी, ठेकेदारों के द्वारा तोड़ दी गई। तोड़ने की कई महीने बाद भी मरम्मत नहीं कराई गई। पानी की टंकी के निर्माण का कार्य अधर में लटका, जिसे लेकर विभागीय अधिकारी फिलहाल आंखें मूंदे हैं, जबकि ग्रामीणों की शिकायत है कि विभाग समेत ठेकेदार तक कोई भी उनकी बात सुनने को तैयार नहीं। हैरानी की बात है कि कार्य को शुरू हुए 2 साल से ज्यादा का समय बीत चुका, लेकिन कार्य की पूर्णता तो दूर, जितना काम हुआ है उस पर भी ग्रामीण सवालिया निशान लगा रहे हैं। हेलो हेलो, हाँ सर, हेमंत गोस्वामी बात कर रहा था दैनिक भास्कर डिजिटल से। हाँ बताए सर, ये के जानकारी थी तो कुछ ग्रामीणों का, ये था एक जैतपुर ब्लॉक के महुआ बांध का मामला है आपके। हाँ। तो वहाँ पे जो इन्होंने ठेकेदार ने क्या सर वो सड़क खोदी हुई है, वो पूरी काफी टूटी है और पानी की टंकी वहाँ से 2 साल हो गया, वहाँ पे निर्माण कार्य पूरा नहीं हुआ है, तो उससे रिलेटेड मैंने कहा सर से बात ले लें। किस गाँव की बात कर रहे हैं? ये महुआ बांध है सर जैतपुर ब्लॉक में। हाँ, महुआ बांध जयपुर ब्लॉक में जी। तो इसमें इसमें कहाँ पर उसमें महुआ बांध गांव में? ये जाना, हाँ महुआ बांध गांव में है एक जो निर्माणाधीन टंकी है, इसका कुछ बता सकते हैं सर कब तक निर्माण कार्य हो जाएगा पूरा? एक्सियन जल निगम से बात की है? एक्सियन जल निगम से? उनका सर फोन नहीं उठाया अभी। अच्छा, मैं कह रहा हूँ आपसे बात करना है, ठीक है? ठीक है। और अगर वहाँ पे देखना है कि रोड टूटी तो रोड तो काम चल रहा है, कनेक्शन वहाँ उस गांव में पूरे हुए हैं कि नहीं हुए हैं? सर क्या है वहाँ पे 3-4 महीने पहले उन्होंने खोद के डाल दी है, तो लोग ग्रामीण के अभी सहालक का टाइम है, तो रात में महिलाएं भी निकलती हैं, तो उन्हें पाइपों में फंस जाती हैं, तो गिरती भी है वहाँ पे, एक्सीडेंट भी हो रहा है। अच्छा। है ना। दूसरा क्या सर, वो जो पाइप लाइन जो डली हुई है वो भी क्षतिग्रस्त हो गई है, क्योंकि लोगों ने ट्रैक्टर निकाल रहे हैं, कहीं कुछ हो रहा है, तो ऐसी चीजें। महुआ बांध ना? हाँ महुआ बांध। मैं सुनवाता हूँ, अभी आज नहीं रहा पे, ठीक है? जी जी जी, अभी मैं जेई को भेज रहा हूँ, जेई और एई को। ठीक है सर, ठीक सर, धन्यवाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट हर घर जल योजना अधिकारियों की उदासीनता की भेंट चढ़ रहा है। ताजा उदाहरण जैतपुर विकासखंड के महुआ बांध में स्थित ये पानी की टंकी लगभग 2 से 3 वर्ष पूर्ण होने के बाद भी अभी तक पूर्ण नहीं हुई है। दादा क्या नाम है आपका? हमारा नाम है चतुर्भुजराज। कौन से गांव से? हम महुआ बांध के रहने वाले हैं। अच्छा जी, आपकी क्या समस्या है? हमारे यहाँ जो है कि सब महीनों से है, जो यहाँ पर सीसी वाले सब सब हैं गजे नल वाले, और यहाँ पर इतनी परेशानी है निकलने की कि अनाप शनाप परेशानी है हमारे यहाँ। इसको ठीक किया जाए या तो कुछ उपाय किया जाए हमारे यहाँ। क्या नाम है आपका? हमारा नाम मुकेश राज। कौन से गांव से है? महुआ गांव। क्या समस्या है जी? हमारे गांव में जी पानी की टंकी वाले जी रास्ता खोद कर डाल गए, इसमें परेशानी बहुत ज़्यादा हुई गांव वाले लोगों ने। चैत में भी जो काम चला था और ना पानी नहीं आ पाओ आदमी को, बाहर से भी कई लोगों ने ऐसे ढोकते हैं जी, वाहन नहीं निकल पाओ, जिसमें छोटे वाहन तो बिल्कुल भी नहीं निकल पाए। और जब सहारा आ गई, अब और आदमी है दिक्कत थे सहारक में, सब पूरी रास्ता मशीनरी और रात में खोद खाद गए जी, पाइप जगह जगह निकले, रास्ता में गिर भी रहे लोग, वहाँ कुछ लोग। अभी पानी की लाइन चालू नहीं है? पानी की अभी लाइन चालू नहीं है और बहुत सी दिक्कत है, आगे चल के देखो आप, बहुत समस्या है गांव में, गड्ढा है जगह जगह, पानी भी भरो और गंदगी भी फैल रही गांव में, कचरा भी अनाप शनाप है, सफाई नहीं हो रही। अभी आपका? हमारा, मैं संतोष भाई था मगवान से। क्या समस्या है यहाँ पे? देखो साहब, जे खुदी टरी है, जे टंकी बन नहीं रहा है, जे पानी का वो रहा है, पानी है, हैं, और रास्ता बेकार है, सीसी भी खुद गई हमारे यहाँ की, हैं, और जो जे पाइप है, जे पाइप भी निकाल के इतने गए हैं, तो उसमें बच्चे लोग साइकिल निकालती है तो गिरते हैं,
स्कूल आने जाने में परेशान होते हैं बच्चे लोग हैं। कितने महीना से डली है खुदी? अरे बहुत साहब डली, फागुन से, फागुन से इतना है, चैत का महीने में परेशान हुई, भैंसें गिरती हैं, जानवर गिरते हैं, आदमी गिरते हैं रास्ते में निकलने में। अब जब सारग भी आई है, शादी ब्याह भी होगी तो ऐसा अच्छा नहीं लगता है, हैं? चार रिश्तेदार भी आएंगे, सबके पास आते हैं तो छह लोग पास, ऐसा धौंधी पेली बहुत मचा है क्या नहीं है? आप भी देखो ना, चाहे जौन सी कोल्लैया में देखो, वहीं साला कचरा है, खुदा तरह है, गेर के सीसी है, पाइप निकाल के, पाइप भी तो इनको ढकना मांगता है ना, पाइप भी ढाको नहीं, पाइप इतना इतना नकारता है तो वो जमता नहीं है, किसी आदमी बूढ़े भी आते हैं, रास्ता है वो तो, है? आप बताओ।